92 साल की दादी माँ का कारनामा, 100 मीटर की रेस में जीता गोल्ड मेडल। हौसले के सामने उम्र पड़ी कम, अब खेलने जाएंगी स्वीडन। 92 साल की उम्र में 3 गोल्ड जीतकर बता दिया कि उम्र किसी बंधन का मोहताज नहीं होता। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नोखा तहसील के अरन खिसर गांव में रहने वाली 92 साल की महिला पाना देवी गोदरा ने इस मुहावरे को सार्थक करके दिखाया है। 92 वर्ष की आयु में नेशनल मास्टर एथलीट चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण पदक जीतकर उन्होंने न केवल अपने लिए बल्कि देश भर के लिए एक मिसाल कायम की है। पाना देवी ने उम्र के उस पड़ाव में भी खेल के मैदान में अपने जज्बे और उत्साह से सभी को चकित कर दिया है। पाना देवी ने हाल ही में पुणे में आयोजित 44वां नेशनल मास्टर एथलीट चैंपियनशिप 2024 में हिस्सा लिया और 3 गोल्ड मेडल 100 मीटर रेस, गोला फेंक, तस्तरी फेंक में जीते हैं। पाना देवी अब वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने के लिए अगस्त में स्वीडन जाएंगी। पाना देवी ने अपनी जीत और अपनी सेहत का मंत्र बताते हुए कहा कि फास्ट फूड, डिब्बा बंद खाना और ठंडे पानी का उन्होंने कभी सेवन तक नहीं किया है। यही उनकी सेहत का असली राज है। सुबह जल्दी उठना और घर के काम में मदद करना उनके रोजाना के शेड्यूल का हिस्सा है। साथ ही वो किसी तरह की दवाई भी नहीं खाती। उन्होंने बताया कि सालों से उन्होंने कोई मेडिसिन भी नहीं ली है। 92 साल की पाना देवी गोदरा के पोते जय किशन गोदरा ने दादी को खेलने के लिए प्रेरित किया था। जय किशन ने बताया कि वह खुद नेशनल खिलाड़ी है। पिछले लंबे अरसे से वह बच्चों को अलग अलग खेल कूद का अभ्यास करवा रहे हैं। उसके कामकाज को देखने के बहाने एक दिन वह अपने साथ दादी को स्टेडियम लेकर गया था। नेशनल गेम एक्टिविटीज में हिस्सा लेकर लौटी पाना देवी अब गांव की महिलाओं को गेम एक्टिविटी में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करेंगे। उनके पोते जय किशन गोदरा ने बताया कि दादी की कामयाबी के बाद गांव की महिलाएं उनसे मिलने के लिए आने लगी। गोदरा ने बताया कि 5 बेटे और 3 बेटियों की मां पाना देवी स्वस्थ है। यह गांव वालों को पता है, लेकिन नेशनल खेलकर गांव का नाम रोशन करेगी यह किसी को नहीं पता था, यह किसी ने सोचा भी नहीं था। 92 साल की उम्र में 3 गोल्ड मेडल जीतकर अपने गांव का नाम रोशन कर देने वाली पाना देवी गोदरा के बारे में आप क्या कुछ सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद।